नमस्कार, स्वागत है आपका डायरी टाइम्स में। मैं आपके साथ सुरभि महाजन उपस्थित हूँ आज के मुख्य समाचारों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन भर का घटनाक्रम। पांच कांग्रेसी सदस्यों का निलंबन रद्द, हिमाचल विधानसभा में छह दिन से चला आ रहा गतिरोध भी टूटा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, विवाद कितना भी बड़ा क्यों न हो, हर संवाद से ही होता है। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में हुए हंगामे के छह दिन से दोनों पक्षों के बीच चला आ रहा गतिरोध आज खत्म हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ विपक्ष के सदस्यों की बैठक में गतिरोध समाप्त करने पर सहमति बनी है। वूल फेडरेशन हिमाचल प्रदेश और पशुपालन विभाग के सौजन्य से स्थानीय वन विश्राम गृह में भेड़ पालकों के लिए एक दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में औद्योगिक निवेश के लिए माहौल तैयार कर रही है सरकार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, राज्य सरकार औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को तैयार कर रही है। वह देर शाम सीआईआई हिमाचल प्रदेश के 2020-21 के राज्य वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के व्यापार में सुगमता की रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश ने 16वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंचकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आज संगठन मंत्री सुरेश भरेंगे कार्यकर्ताओं में जोश, जोगेंद्र नगर में भाजपा के अभ्यास वर्ग में महिलाओं का खासा उत्साह। बीमा की किस्त जमा करवाने गया फौजी आया ट्रक की चपेट में, जसूर में हुआ भयानक एक्सीडेंट। घर से एलआईसी की किस्त जमा करवाने गए इंदौरा के जटोली गांव के युवा सैनिक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। नैना देवी में बनेगा शीशे का पैनल पुल, देश का तीसरा ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाने की योजना शुरू। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में विदेशी मॉडल की तर्ज पर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज बनाया जाएगा। इस न्यास में अप्रूवल मिलने के बाद अब किसी नामी एजेंसी के माध्यम से सर्वेक्षण करवाया जाएगा। करोड़ों की लागत से तैयार होने वाले इस ब्रिज से पंजाब व भाखड़ा डैम का लुफ्त उठाया जा सकता है। स्नो फेस्टिवल में चख सकेंगे स्थानीय व्यंजन, पहली बार लाहौल की संस्कृति देख सकेंगे सैलानी। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल पर पर्यटकों के साथ पहली बार स्नो फेस्टिवल मनाया जाएगा। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 18 और 19 मार्च को कोक्सर पंचायत के तहत टनल के नॉर्थ पोर्टल पर इसका आयोजन शुरू होगा। विधानसभा के बाहर गर्जा छात्र अभिभावक मंच, निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कानून लाने की है मांग। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की या अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डायरी टाइम्स।